हाय एवरीवन एंड वेलकम टू बिग ब्राउन किचन। आज हम देखेंगे कि ब्रेड चीज़ पिज्ज़ा कैसे बनाते हैं। ये एक बहुत ही इजी, सिंपल और क्विक रेसिपी है जिसे आप किसी भी गेट टुगेदर पार्टी में एज अ स्नैक एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मेल्टेड बटर लिया है। इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच पिज्ज़ा सीजनिंग। ये रेडीमेड पिज्ज़ा सीजनिंग हमने यूज़ करी है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, पर अगर आपको ये नहीं मिलती है तो इसकी जगह आप ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गार्लिक फ्लेवर बटर ऑयल बनके बिल्कुल तैयार है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर 8 मल्टीग्रेन ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से वाइट ब्रेड स्लाइसेस या फिर ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो अभी गार्लिक बटर हमने बनाया था उसको ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर 1-1 चम्मच पिज्ज़ा पास्ता सॉस स्प्रेड करेंगे। और फिर हर ब्रेड स्लाइस के ऊपर उसके साइज़ की चीज़ स्लाइस लगाएंगे। इसके बाद सभी ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, स्वीट कॉर्न और हरी मिर्च डालेंगे। और फिर हम ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर थोड़ी सी पिज्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल करेंगे। क्योंकि हम ब्रेड चीज़ पिज्ज़ा बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ तो बनती ही है, तो अब हम वेजीज़ के ऊपर थोड़ी सी ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डालेंगे। और अब हम फिर से थोड़ी सी पिज्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल करेंगे और फिर इन सभी ब्रेड स्लाइसेस को हम एक ग्रीस बेकिंग ट्रे में शिफ्ट कर देंगे। हमने यहाँ पर बेकिंग ट्रे को गार्लिक बटर से ही ग्रीस किया है, आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन ब्रेड स्लाइसेस को 180 डिग्री सेल्सियस के प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इन्हें तवे पर भी पका सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो हो और आप इन ब्रेड स्लाइसेस को ढककर पकाएं ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो हमारे ब्रेड चीज़ पिज्ज़ा बनके बिल्कुल तैयार है और अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एंड आई विल मीट यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।